आप देख रहे हैं दखल न्यूज। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से होगा मुकाबला। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, बीजेपी करती है धर्म के नाम पर राजनीति। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, मैं पिछड़ा हूं इसीलिए कांग्रेस मुझे गाली देती है। वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, दक्षिण के काशी तेरुनेल्ली के महाविष्णु मंदिर में की पूजा। आंधी और बारिश का कहर, 35 से ज्यादा लोगों की मौत, कई जगह गेहूं हुआ बर्बाद। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भोपाल में मुकाबला रोचक हो गया है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर टक्कर देंगी। साध्वी प्रज्ञा सिंह और दिग्विजय के बीच पुरानी टशन है। इस चुनाव में दिग्विजय सिंह को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से साध्वी प्रज्ञा, गुना से डॉक्टर केपी यादव, सागर से राज बहादुर सिंह और विदिशा से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने गुना सीट से डॉक्टर केपी यादव को टिकट दिया है, जबकि सागर से राज बहादुर सिंह और विदिशा से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है। मालेगांव बम धमाके में आरोपी रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हो गई है। इससे पहले सुबह साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल में बीजेपी कार्यालय पहुंची और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान, प्रभात झा, नरोत्तम मिश्रा और रामलाल से बंद कमरे में मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि वो भाजपा की प्राथमिक सदस्यता मंगलवार को ही ले चुकी हैं। कि मैं चुनौती नहीं मानती उनको, और हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करती है, लेकिन ये धर्म युद्ध मानती हूँ और धर्म युद्ध है भी, क्योंकि अब तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि देश में ही रहने वाले देशद्रोही की भूमिका में आते हैं, तो प्रश्न चिन्ह हो गया है कि देशभक्त कौन और देश का हित चाहने वाले कौन। तो इसलिए ये जो धर्म युद्ध है, मैं इसको मान रही हूँ। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर संघ ने भी भाजपा पर दबाव बनाया था। वो एवीवीपी और दुर्ग वाहिनी जैसे भाजपा के अनुषांगिक संगठनों से जुड़ी रह चुकी हैं और उनकी छवि कट्टर हिंदूवादी के तौर पर रही है, और संघ उन्हें दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक मुफीद उम्मीदवार मान रहा है। मालेगांव धमाके के नाम आने के बाद कई सालों तक जेल में बंद रही थी, जिसके बाद उन्हें निर्दोष मानकर रिहा किया गया। दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने में जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह ना तो मेरे लिए और ना ही भाजपा के लिए चुनौती है। धर्म पर चलने वाले लोग, राष्ट्र के लिए जीने मरने वाले लोग जहां खड़े होते हैं, वहां अधर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिग्विजय सिंह पर उन्हें मालेगांव धमाके में फंसाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा, भाजपा केवल धर्म के नाम पर वोट मांगती है, ये लोग धर्म को बेचते हैं। दिग्विजय सिंह भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में खुद के लिए वोट मांग रहे थे। भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने खुद के लिए वोट मांगते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा, भोपाल को राजधानी बनाने से लेकर इसके विकास तक सारा काम कांग्रेस ने किया, इसीलिए एक मौका हमको भी दीजिए। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि कहां बीजेपी ने क्या किया, भाजपा धर्म के नाम पर वोट मांग कर शोषण करती है, हम कौन से अधर्मी हैं? 8 बार लगातार भोपाल संसदीय क्षेत्र से भाजपा का संसद सदस्य बन रहे, लेकिन किया क्या? राजधानी बनाई डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लड़के, बीएचएल बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया, डिजिटल इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, जितने भी विकास काम हुए हैं कांग्रेस पार्टी के राज में हुए। बदलाव की आवश्यकता है, एक बार मौका आप कांग्रेस को दीजिए, मुझको दीजिए। धर्म का हम सब पालन करते हैं, हम कौन से अधर्मी हैं?
हमने कौन सा पाप कर दिया? ये लोग वो लोग हैं जो धर्म को बेचते। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में गुरुवार को 13 राज्यों की 97 सीटों पर मतदान होगा। इनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल है। दूसरे चरण में तमिलनाडु, मणिपुर, त्रिपुरा और पुडुचेरी ऐसे राज्य हैं जहां की सभी सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। 11 अप्रैल को पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। सभी 543 सीटों के नतीजे 23 मई को घोषित होंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में 97 सीटों पर मतदान होगा। 13 राज्यों में से छत्तीसगढ़ की 3 सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में, आसाम के करीमगंज, सिलचर, मंगलाडोई, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और नौगांव में वोट डाले जाएंगे। बिहार के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका में वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, उधमपुर, महाराष्ट्र के बुलढाणा, अकोला, अमरावती, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर और सोलापुर में मतदान होगा। गुरुवार को ही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और रायगंज में मतदान होगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम विश्वास हैं मध्य प्रदेश का, उद्योगों को नई रफ्तार दिलाते व्यापारियों का, सुनहरे कल की ओर कदम बढ़ाते युवाओं का। खेतों में लौट रही मुस्कान है हम, प्रदेश के किसानों का सम्मान है हम। हर बेटी के सपने को साकार करने, हर नारी के सम्मान में खड़ी शक्ति है हम। मालवा निमाड़ से महाकौशल चंबल तक, बुंदेलखंड से बघेलखंड तक, प्रदेश के जन जन की आवाज है हम। हम कांग्रेस हैं, बदलाव की शुरुआत है हम। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। हम उम्मीद बनकर आए हैं हमारे अन्नदाता की। सिर्फ कर्ज की माफी नहीं, यह कोशिश है आत्म सम्मान लौटाने की। वृद्धावस्था पेंशन की बात नहीं, ये कोशिश है हर मोड़ पर उनका साथ निभाने की। देश में सबसे सस्ती बिजली का वचन, एक कोशिश है उनके जीवन में निरंतर उजाला लाने की। अभी तो शुरुआत हुई है बदलाव की, हर गांव, हर घर तक पहुंचेंगे। हम कांग्रेस हैं, हर किसान तक जरूर पहुंचेंगे। कोशिश को हमारी हिम्मत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। हम हौसला बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के व्यापारियों का। नोटबंदी और जटिल जीएसटी जैसी मुश्किलों से जूझ रहे व्यापारियों का हम साथ देने आए हैं। गुमास्ता नवीनीकरण की समाप्ति और नई उद्योग नीति तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम हर छोटे और बड़े व्यापारी की राह आसान करने आए हैं। हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। सोच को हमारी मंजिल मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। हम यकीन बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के युवाओं का। किताबों के बीच करवटे लेते सपनों की उड़ान बनकर आए हैं हम। प्रदेश के हर युवा का स्वाभिमान बनकर आए हैं, बेहतर भविष्य के वचन के साथ। हम रोजगार और कौशल के बीच दूरियां मिटाने आए हैं। अभी तो शुरुआत है, कदम हमारे हर युवा तक पहुंचेंगे। इस संकल्प के साथ हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। संकल्प को हमारे ताकत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा, मैं पिछड़ा हूं इसीलिए कांग्रेस मुझे गाली देती है। आप मुझे गाली दीजिए, मैं सालों से बर्दाश्त करता आ रहा हूं और कर लूंगा, लेकिन यदि कांग्रेस दलित, शोषित और वंचित समाज को गाली देगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के शोलापुर में थे। यहां उन्होंने एक रैली में दलितों के बहाने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मोदी ने कहा, मैं पिछड़ा हूं इसीलिए कांग्रेस मुझे गाली देती है, कभी मेरी हैसियत बताई जाती है तो कभी मेरी जाति पर हमला बोला जाता है, सारे मोदी को चोर बताया जा रहा है, कांग्रेस पूरे पिछड़े समाज को चोर कह रही है। पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है, अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। चाहे चौकीदार हो, समाज का पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्बाद नहीं करेगा। सभा में मोदी ने कहा, आप मुझे गाली दीजिए, मैं सालों से बर्दाश्त कर रहा हूं और कर लूंगा, लेकिन यदि कांग्रेस दलित, शोषित और वंचित समाज को गाली देगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने चुनाव प्रचार में राहुल गांधी अपनी चुनावी रैली में कह रहे हैं कि मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी ने नीरव मोदी को भगाया है। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान से देश के 8 राज्यों में तबाही मची है। मध्य प्रदेश में जहां अलग अलग हादसों में 16 लोगों की मौत हुई है, वहीं राजस्थान में 6 और गुजरात में 4 लोगों की जान गई। मरने वालों का आंकड़ा 35 तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम बदला है, अगले 2 दिन और इसका असर रह सकता है, कई स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। अचानक आए मौसम में बदलाव के बाद देश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, कुछ जगह जबरदस्त ओलावृष्टि भी हुई। इस दौरान बिजली गिरने की वजह से कई घटनाएं हुई, जगह जगह जान और माल को नुकसान की खबरें आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कमलनाथ ने ट्वीट किया कि मोदी सिर्फ गुजरात की चिंता करते हैं, क्या मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लोग उनके लिए मायने नहीं रखते हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि मुश्किल भरे इस समय में कांग्रेस राजनीति कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में प्राकृतिक आपदा के मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की सहायता का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों से मौसम बदला हुआ है। आंधी तूफान के कारण हुए हादसों से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बिजली गिरने से ही 13 की मौत हुई है, जबकि सीहोर जिले के आष्टा में चलती बाइक पर पेड़ गिरने से एक ने दम तोड़ दिया था। इंदौर जिले के हातोद में एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु आकाशीय बिजली से हुई। जगह जगह बारिश और ओलों से खेतों में खड़ी और काट रही फसलों के अलावा मंडियों में खुले में रखी सैकड़ों क्विंटल गेहूं और लहसुन भीगने से खराब हुए हैं। आंधी से कई जिलों में मकानों की चद्दर और दुकानों के बोर्ड भी उड़ गए। सीहोर में आई तेज आंधी ने जमकर तबाही मचाई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई मकानों में टीन की छतें उड़ गईं। सीहोर जिले में कई पेड़ धराशाही हो गए, पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। सीहोर में बदला मौसम मुसीबतों का सबब बन गया है। तेज आंधी ने तमाम सारे पेड़ गिरा दिए, कई घरों की टीन की छतें उड़ गई। ऐसे में आष्टा के कन्नौद जोड़ के पास तेज आंधी में सड़क पर गिरे पेड़ से दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। मृतक अरनिया राम गांव का रहने वाला 23 साल का युवक दिलीप है, जबकि घायल 22 साल के बहादुर को आष्टा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
हम विश्वास हैं मध्य प्रदेश का, उद्योगों को नई रफ्तार दिलाते व्यापारियों का, सुनहरे कल की ओर कदम बढ़ाते युवाओं का। खेतों में लौट रही मुस्कान है हम, प्रदेश के किसानों का सम्मान है हम। हर बेटी के सपने को साकार करने, हर नारी के सम्मान में खड़ी शक्ति है हम। मालवा निमाड़ से महाकौशल चंबल तक, बुंदेलखंड से बघेलखंड तक, प्रदेश के जन जन की आवाज है हम। हम कांग्रेस है, बदलाव की शुरुआत है हम। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम उम्मीद बनकर आए हैं हमारे अन्नदाता की, सिर्फ कर्ज की माफी नहीं, यह कोशिश है आत्म सम्मान लौटाने की। वृद्धावस्था पेंशन की बात नहीं, ये कोशिश है हर मोड़ पर उनका साथ निभाने की। देश में सबसे सस्ती बिजली का वचन, एक कोशिश है उनके जीवन में निरंतर उजाला लाने की। अभी तो शुरुआत हुई है बदलाव की, हर गांव हर घर तक पहुंचेंगे। हम कांग्रेस हैं, हर किसान तक जरूर पहुंचेंगे। कोशिश को हमारी हिम्मत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम हौसला बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के व्यापारियों का। नोटबंदी और जटिल जीएसटी जैसी मुश्किलों से जूझ रहे व्यापारियों का हम साथ देने आए हैं। गुमास्ता नवीनीकरण की समाप्ति और नई उद्योग नीति तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम हर छोटे और बड़े व्यापारी की राह आसान करने आए हैं। हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। सोच को हमारी मंजिल मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम यकीन बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के युवाओं का, किताबों के बीच करवटे लेते सपनों की उड़ान बनकर आए हैं। हम प्रदेश के हर युवा का स्वाभिमान बनकर आए हैं बेहतर भविष्य के वचन के साथ। हम रोजगार और कौशल के बीच दूरियां मिटाने आए हैं। अभी तो शुरुआत है, कदम हमारे हर युवा तक पहुंचेंगे। इस संकल्प के साथ हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। संकल्प को हमारे ताकत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होशंगाबाद जिले में हुई बारिश के चलते खुले में रखा किसानों का और सोसाइटी में तुल चुका सरकारी गेहूं पूरी तरह से गीला हो गया है। दरअसल कल देर रात मौसम में आए बदलाव से तेज हवा के साथ तेज बारिश में खुले में रखा लाखों क्विंटल गेहूं पानी में भीगने से खराब हो गया। मौसम में अचानक बदलाव के बाद और पर्याप्त संसाधन न होने से यह गेहूँ खराब होने की कगार पर है। होशंगाबाद मंडी प्रांगण में रखा हुआ सरकारी गेहूं प्रशासन की अनदेखी के कारण पानी में गीला हो गया। मौसम खराब होने के बावजूद प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि खुले में रखा गेहूं पानी से तरबतर हो गया। मंडी परिसर में गेहूं को ढकने का प्रबंध तक नहीं किया गया था। अगर प्रशासन यह व्यवस्था कर लेता तो गेहूं को खराब होने से बचाया जा सकता था। गेहूं परिवहन की चरमराई व्यवस्था के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। साथ ही किसानों की तुलाई में हो रही देरी इसका एक कारण माना जा रहा है। मंडी पे ये असर हुआ, अचानक बारिश आ गई, तूफान आ गया, तो मंडी ने कोई व्यवस्था इतनी वो थी नहीं, जो आने का पानी अचानक ही आ गया तो उनका नुकसान हुआ। मंडी का भी हुआ है, किसानों का भी हुआ है, अन्यथा सभी लोगों का हुआ है कि गीला अनाज हो गया। कुंटल तो कोई गिनती में नहीं है सर, कोई व्यवस्था नहीं की। लापरवाही ये है कि जब मौसम बारिश अपने दो तीन घंटे से बिजलिया हो रहा था, गरजना हो रही थी,
तो उनको वो करना था, उनने कुछ भी नहीं करा, वो तो लापरवाही से पड़ा रहा। इससे बारिश हो गई खूब, मतलब हवा के साथ में, वो तो पूरे ही है आज जितना भी मतलब मंडी में पड़ा है पूरा गीला हुआ, वो तो जितना था उतना लगाया उन्होंने और क्या, इसके बाद भी गीला हो गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आंधी से मौसम सुहाना हुआ तो कहीं इस आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। वहीं खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं सरकार की नाफरमानी से खराब हो गया। पिछले दो दिनों से ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश आंधी मुसीबत का सबब बन गई। किसानों के लिए तो ये आफत की बारिश साबित हो रही है। नरसिंहपुर, बीना, भोपाल सहित कई जिलों में खेतों और समर्थन केंद्रों में खुले में रखा गेहूं पूरी तरह से भीग कर नष्ट हो गया है। बीना में संचालित 9 समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर 20,000 क्विंटल गेहूं भीग गया, जिसमें से 1 क्विंटल गेहूं पूरी तरह नष्ट हो गया। स्टेट वेयर हाउस में संचालित खरीदी केंद्र में भरे पानी को पंप लगा कर निकाला गया है। पूरी रात बाहर रखा गेहूं पानी में डूबता रहा, पर किसी अधिकारी ने इसकी सुध तक नहीं ली। नरसिंहपुर में भी समर्थन केंद्र का यही हाल रहा। हमारे पास में कम से कम 12,000 क्विंटल माल है और खरीदी लगभग बंद है, और कल शाम से ही बारिश शुरू हो गई थी धीरे 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 धीरे, और जो भी छोटी मोटी व्यवस्था है संस्था के पास उसका उपयोग किया गया है, सुरक्षित करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अधिक मात्रा में माल होने की वजह से कुछ माल भीग भी गया है। और अगर मौसम खुल जाता है तो संभव है कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसी तरह मौसम बना रहा और माल का उठाव नहीं हुआ, गेहूं उठाव नहीं हुआ, परिवहन नहीं हुआ, तो नुकसान हो सकता है। नहीं तो पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, फर्स्ट में अपनी खरीदी चालू हो जाती थी तो इस टाइम बहुत कम किसान बचते थे, लेकिन अभी 4 से 6 दिन हुए खरीदी चालू, तो इससे समस्याएं बहुत जा रही। 3 दिन से पानी हो रहा है, इस कारण से तुलाई नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, अब हम लोग यहाँ 3 दिन से पड़े हुए ढांके हुए, लेकिन पानी हो रहा है, तो अब क्या करें। बारिश की वजह से हजारों क्विंटल गेहूं गीला हो गया है। खरीदी केंद्र पर सरकार द्वारा किसानों के अनाज को खरीदा तो जाता है, पर उसका रख रखाव करने वाला कोई नहीं है। ना अधिकारी खबर रखते हैं, ना अनाजों का रख रखाव ठीक से होता है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण अनाज नष्ट हो गया है। मालवा, निवाड़ के भी कई जिलों में बारिश और नाकाफी इंतजाम के कारण गेहूं भीग गया है। वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने दक्षिण के काशी कहे जाने वाले तेरुनेल्ली के महाविष्णु मंदिर में पूजा की। राहुल गांधी लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी कोशिश खुद को ब्राह्मण बताने की रहती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे। यहां उन्होंने तेरुनेल्ली के महाविष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की। पापनाशिनी नदी के किनारे बसे इस मंदिर को दक्षिण का काशी कहा जाता है। राहुल यूपी की अमेठी सीट के साथ ही वायनाड सीट से भी चुनाव मैदान में हैं। राहुल का यह दूसरा वायनाड दौरा है। इससे पहले ये यहाँ पर्चा भरने आए थे, तब प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। राहुल के लिए तेरुनेल्ली का अलग महत्व है, क्योंकि यहाँ की एक नदी में भी राजीव गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। राहुल मंदिर में अंग वस्त्र और धोती पहने नजर आए। बकरी चराने गए चरवाहे पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ ने चरवाहे को दूर तक घसीट कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन चरवाहे की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। भोपाल के कठोतिया रेंज में चरवाहे पर बाघ ने उस वक्त हमला कर दिया जब चरवाहा अपनी बकरियों को चराने गया था। हमला करने के बाद बाघ ने चरवाहे को दूर तक घसीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। घायल को 1250 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हम विश्वास हैं मध्य प्रदेश का, उद्योगों को नई रफ्तार दिलाते व्यापारियों का, सुनहरे कल की ओर कदम बढ़ाते युवाओं का। खेतों में लौट रही मुस्कान है हम, प्रदेश के किसानों का सम्मान है हम। हर बेटी के सपने को साकार करने, हर नारी के सम्मान में खड़ी शक्ति है हम। मालवा निमाड़ से महाकौशल चंबल तक, बुंदेलखंड से बघेलखंड तक, प्रदेश के जन जन की आवाज है हम। हम कांग्रेस हैं, बदलाव की शुरुआत है हम। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। हम उम्मीद बनकर आए हैं,
हमारे अन्नदाता की। सिर्फ कर्ज की माफी नहीं, यह कोशिश है आत्मसम्मान लौटाने की। वृद्धावस्था पेंशन की बात नहीं, यह कोशिश है हर मोड़ पर उनका साथ निभाने की। देश में सबसे सस्ती बिजली का वचन, एक कोशिश है उनके जीवन में निरंतर उजाला लाने की। अभी तो शुरुआत हुई है बदलाव की, हर गांव हर घर तक पहुंचेंगे। हम कांग्रेस हैं, हर किसान तक जरूर पहुंचेंगे। कोशिश को हमारी हिम्मत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम हौसला बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के व्यापारियों का। नोटबंदी और जटिल जीएसटी जैसी मुश्किलों से जूझ रहे व्यापारियों का हम साथ देने आए हैं। गुमास्ता नवीनीकरण की समाप्ति और नई उद्योग नीति तो सिर्फ एक शुरुआत है। हम हर छोटे और बड़े व्यापारी की राह आसान करने आए हैं। हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। सोच को हमारी मंजिल मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। हम यकीन बनकर आए हैं मध्य प्रदेश के युवाओं का। किताबों के बीच करवटे लेते सपनों की उड़ान बनकर आए हैं। हम प्रदेश के हर युवा का स्वाभिमान बनकर आए हैं, बेहतर भविष्य के वचन के साथ। हम रोजगार और कौशल के बीच दूरियां मिटाने आए हैं। अभी तो शुरुआत है, कदम हमारे हर युवा तक पहुंचेंगे। इस संकल्प के साथ हम कांग्रेस हैं, बदलाव बनकर आए हैं। संकल्प को हमारे ताकत मिल जाएगी जब मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सिर्फ कांग्रेस आएगी। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आपका स्वागत है। धार में कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गिरवाल के टिकट दिए जाने का विरोध जारी है। इलाके के तमाम कांग्रेस नेताओं का कहना है गिरवाल चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए टिकट गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी को दिया जाए। धार मुख्यालय सहित धर्मपुरी डाही में गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी के समर्थकों ने गिरवाल का पुतला फूंका। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता दिनेश गिरवाल का जमकर विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों ने राहुल गांधी को ट्वीट पर भी टिकट बदल कर राजूखेड़ी को देने की मांग की है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी छतर सिंह दरबार के आगे गिरवाल कमजोर लग रहे हैं। दरबार दो बार सांसद रह चुके हैं, संघ का समर्थन भी उनके साथ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजूखेड़ी इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। पिछले बार भी राजूखेड़ी का टिकट कटने पर कांग्रेस की यह सीट भाजपा के खाते में चली गई थी। वहीं गिरवाल के टिकट के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधायक जयवर्धन सिंह और मंत्री उमंग सिंगार पूरा जोर लगा दिया था और स्थानीय कांग्रेसियों ने इस बारे में सलाह मशविरा तक नहीं किया गया। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह गिरवाल के पुतले जला रहे हैं। छतरपुर के राजनगर में दिन दहाड़े दो सगी बहनों को एक युवक ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना उस समय हुई जब ये दोनों बहनें टैक्सी से घर लौट रही थी। राजनगर में दिन दहाड़े दो सगी बहनों को एक युवक ने गोली मार दी। इन दोनों बहनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना उस समय हुई जब दोनों बहनें टैक्सी से घर लौट रही थी, तभी एक युवक आया और उसने कट्टे से दोनों को गोली मार दी और फरार हो गया। दोनों घायल बहनों को राजनगर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है घटना एक तरफा प्रेम प्रसंग की वजह से हुई है। इंदौर के पिकनिक स्पॉट रीजनल पार्क तालाब इस बार अप्रैल में ही सूख गया।
तालाब के अंदर मौजूद हजारों मछलियों की मौत हो गई। इसके पहले रीजनल तालाब के सूखने पर बिलावली तालाब से यहां पानी सप्लाई किया जाता था। तालाब सूखने से अब यहां की रौनक खत्म हो गई है। रीजनल पार्क तालाब हमेशा सैलानियों से भरा रहता था, लेकिन अब यह उजाड़ हो रहा है। तालाब का पानी सूखने से यहाँ की रौनक खत्म हो रही है। यहाँ संचालित होने वाले बोट क्लब के बंद होने के बाद नगर निगम ने इस रीजनल तालाब की सुध लेना बंद कर दी है। बोट क्लब शुरू होने के दौरान यहाँ बत्तख भी पाली गई थी, लेकिन अब उनकी ओर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तालाब में जो थोड़ा सा पानी मौजूद है, मछलियों के मरने से उसमें बदबू आ रही है। नगर निगम के जल कार्य प्रभारी बलराम वर्मा को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि तालाब सूख गया है। मीडिया के माध्यम से जब उन्हें रीजनल तालाब सूखने और हजारों मछलियों के मरने की जानकारी मिली तो कहने लगे, हम तुरंत इसे दिखवाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। जर्जर भोपाली सुनाएंगे अब आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो मौसम तो ऐसा झमाझम हो रही है भोपाल में, बता रहा हूँ। भोपाल में है ना, अप्रैल में हो गई जुलाई और कल्याण भाई की हो गई सगाई, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, लेकिन इस मौसम के बीच में, ठंडे मौसम के बीच में गर्मी ऐसी बनी हुई है झमाझम। भाजपा का प्रत्याशी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, प्रज्ञा भारती का नाम चल लिया है। और मैं बता रहा हूँ, ये साध्वियाँ तो है ना दिग्विजय सिंह के पीछे पड़ी हैं। वहाँ भारती ने पहले हराया था इनको, अभी प्रज्ञा भारती आ रही, इनके नाम में भी भारती जुड़ा हुआ है। वो तो है ना दिग्विजय सिंह ने तय किया है कि अभी भोपाल की यात्रा करेंगे पैदल। मैं कह रहा हूँ, पाँव पाँव वाले भैया तो है ना शिवराज थे, अब ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा तो हो सकता है, बता रहा हूँ। हाँ, और एक कांग्रेस के नेता है नवजोत सिंह सिद्धू भैया, ये कॉमेडी है ना, कॉमेडी करते रहते हैं, बता रही हूँ। इनको कॉमेडी जैसे ही लो, अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान एकजुट हो जाए तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, बता रही हूँ। अब मैं कह रहा हूँ, इंसान को इंसान समझो यार, हिंदू मुस्लिम क्यों करने में लगे हुए, हर आदमी यही कर रहा है। इनके कंट्रोल करो कुछ तो, कॉमेडी थोड़ी चलती है हर जगह। और दूसरा मैं बता रही हूँ, आजकल ये नेताओं के ना मुँह से खुल्ला करवाओ, इनके मुँह से ऐसी बदबू आ रही, बता रही कुछ भी बके जा रहे। ये आजम खान वहाँ बक रहे हैं जय प्रदा के बारे में, महिलाओं की इज्जत करो यार। और एक वो वहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ, वो वहाँ पे हिमाचल में कुछ भी गाली गलौज कर रहे हैं बीजेपी के नेता है कोई, तो ये ऐसा नहीं चलता। वही एक खबर ये सुन लो भैया, आजकल फैमिली प्लानिंग बहुत चल रही है चुनाव में। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा है, ये पटना से खड़े हो गए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अब इन्होंने अपनी वाइफ को भेज दिया लखनऊ से, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बन गई। फैमिली प्लानिंग पर बहुत जोर है चुनाव में। हाँ, वही एक खबर इधर देखो, वेल्लोर में, वेल्लोर सीट पर है ना चुनाव कैंसिल हो गया है। वहाँ जो डीएमके के प्रत्याशी थे उनके पास 11.5 करोड़ केस मिले, बताओ। और मैं कह रहा हूँ, ये पैसा वैसा को संभाल के रखो, चुनाव में इतना खर्चा होता है, बाहर दोबारा तुम्हारे लिए दोबारा चुनाव कराएंगे हैं, कुछ तो देश का ख्याल रखो भाई। इतना खर्चा होता है, इतना लोग जाते हैं ड्यूटी में, परेशान हो जाते हैं। और ये खबर और सुन लो, वर्ल्ड कप की टीम डिक्लेयर हो गई भैया, और इसमें ऋषभ पंत का नाम आया नहीं, और गावस्कर साहब बड़े हैरान हैं, बता रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ, ये देखो टैलेंट इतना भरा पड़ा है इंडिया में, इतना टैलेंट हो गया, हर गली मोहल्ले में कोई टैलेंट निकल रहा है, हर गली मोहल्ले में क्रिकेट हो रही है, बता रहे हो, तो टैलेंट तो भरा पड़ा है। अब इस ऐसे में है ना सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो इसमें दिल छोटा करने की बात नहीं है, अगली बार मौका आएगा, अभी तो तुम छोटे हो भैया। और मैं ऋषभ पंत को समझाने जा रही हूँ, बता रही हूँ। हाँ, मैं अभी अपना टैलेंट दिखाऊंगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।